यार सब लोग रिजल्ट को लेकर इतना खुश हैं और त्यां मुंह लटका कर बैठा हुआ है। चल तैयार हो, लड़कियों से मिलकर आते हैं। आज पता है शीला और उसकी फ्रेंड मिलने आ रही कैफे में। अब तू तैयार हो और चल। तो अच्छी तरह जानता है मैं नहीं जाऊंगा, फिर भी तुम उससे पूछ रहा है बेकार की बातें। या खुद को चेंज कर, कब तक ऐसे रहेगा? ना तो लड़कियों से मिलता है ना दोस्तों से बात करता है। थोड़ा तो सोशल बन, आगे जाके तुझे जॉब भी करनी है, नए नए लोगों से मिलना है, थोड़ा सा सोशल बन यार। अरे मैंने कोशिश की भाई, पर मुझसे नहीं होता ये सब। मुझे डर लगता है ना लोगों के बीच, हेजिटेशन होती है। ऐसे भी जब से सुनील गया है मैंने किसी से खुलकर बात नहीं की तेरे अलावा। यार, सुनील भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन वो पास था। अब हम आगे बढ़ना है, नई यादें बनानी है। नीड हेल्प यार, वरना मैं इन्हीं परेशानियों में सिमट कर रह जाऊंगा। ये हुई ना बात। अब तू तैयार हो, सबसे अच्छे कपड़े पहन और चल लड़कियों से मिलकर आते हैं। ओके, लेकिन बात तू करेगा, मैं सिर्फ देखूं। लो कर लो बात। अब दोनों लड़कियों से क्या मैं ही मिलूंगा क्या? सुन, जैसे मैं करता हूँ तुम मुझे फॉलो कर, उसके बाद फिर बात करना चालू कर, ठीक है? चल अपने कपड़े पहने और तैयार हो, और मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, आता हूँ मैं। यार तू मुझे यहाँ क्यों लाई है? बॉयफ्रेंड तेरा, ब्रेकअप तुझे करना है, मुझे क्या तमाशा दिखाने लाई है? यार तू मेरी प्रॉब्लम समझ, उसे लग रहा होगा कि मैं यहाँ उससे नॉर्मली मिलने आई हूँ, पर अब मुझे उससे अलग होना ही पड़ेगा। तो ये बात तू फोन पे भी कर सकती थी ना, या कैफे में तमाशा करना जरूरी है क्या? यार जितना मैं राहुल को जानती हूँ वो कोई ऐसा सीन नहीं करेगा। हम 4 साल से रिलेशनशिप में थे और मुझे लगता है कि हमें सामने बैठकर ही बात करना सही रहेगा। देख, अगर उसने यहाँ कोई भी सीन किया तो मैं यहाँ से उठ के चले जाऊँगी। अरे बाबा ठीक है, चले जाना, पर अभी तू शांति से तो बैठ यहाँ पे। ओके हाय। तू भी हाय बोल। अबे मैं क्या बात करूंगा इनसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। देख यार, लड़कियों से बात करने के शौक, पढ़ाई और घूमने की जगह, रोज शेड्यूल इस तरह बता दिया ना, तेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। हाय डियर, ना ज्यादा वेट तो नहीं कराए ना? नहीं, हम भी अभी आए हैं। ठीक है, ये मेरा सबसे अच्छा और शरीफ दोस्त वासु। हेलो वासु। हेलो, मेरा नाम वासु है वैसे। ओह सॉरी। और ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड दामिनी। हेलो दामिनी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। बस आपको देख के अच्छा महसूस करता हूँ। तुमने इतनी अर्जेंट बुलाया, कोई खास बात? राहुल, हम एक दूसरे को 4 साल से जानते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात को जरूर समझोगे। हाँ बोलो। देखो तुम्हें पता है ना कि मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो डायलिसिस पर है। That is very sad. और अब उनकी जीने की भी कोई उम्मीद नहीं है। देखो राहुल, मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। शादी तो तुम मुझसे भी कर सकती हो ना? राहुल प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। तुम मेरी प्रॉब्लम समझो, मुझे उनकी बात माननी ही पड़ेगी। लड़का US में जॉब करता है। इसका मतलब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? राहुल ऐसा कुछ नहीं है, I'm so sorry. शीला तुम मेरे साथ ऐसे कर सकती हो? प्लीज डोंट डू दिस यार, आई रियली लव यू। और हाँ, प्लेसमेंट के बाद मैं तुझसे शादी करने के लिए प्रपोज करने वाला था। I'm sorry, Rahul. Please try to understand. I'm sorry.
उसकी हर बात भी मानी, इवन खुद को चेंज भी किया, लेकिन वो फिर भी मुझे छोड़ के चली गई। तू कुछ कर मत बैठे हो यार, पहले एक दोस्त को खो चुका हूं। नहीं यार, पर प्यार तो बहुत किया उसने मुझे, लेकिन मुझे अपनी फैमिली से छुपाया उसने। अपनी बहनों की शादी भी करनी, लेकिन हाँ दिल टूट गया यार। अबे यार तू ये लड़कियों का चक्कर छोड़, आगे चल के माँ बाप की मर्जी से शादी कर ले। यार तू मेरी फिक्र मत कर, जिंदगी बहुत बड़ी है, मैं कोई दूसरी ढूंढ लूंगा। लेकिन हाँ तुझे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। मतलब तेरा मतलब क्या है? एक बात समझ, आज के टाइम में शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तुरंत हो जाती है। मेन है लड़की को पटाके रखना। अगर लड़की को पटाके नहीं रखेगा शादी भी नहीं टिक पाएगी और हसीना भाग जाएगी। अबे मेरी तो ट्रेनिंग भी गई, अब मैं क्या करूंगा? अबे यार दोस्तों पे ट्राई करेगा तो तेरे साथ यही होगा, या तो अंधेरे में खड़ो के मोमबत्ती पकड़ेगा साले मारूंगा, या फिर तू किसी के घर का चौकीदार करेगा तेरा कुछ नहीं होगा। सुन हाँ। तू एक ऑनलाइन ऐप ट्राई कर। ऑनलाइन? एक ऑनलाइन ऐप ट्राई कर, शायद क्या पता उसे यूज करने के बाद तेरी हेडिटेशन खत्म हो जाए और तू लड़की पटाने में एक्सपर्ट हो जाए। अबे ओए क्यों मजाक कर रहा है तू, मैं नॉर्मल लड़कियों से बात नहीं कर पाता हूँ खुल के, तू ऑनलाइन लड़कियों से मिलने और डेट करने के लिए बोल रहा है, पागल है क्या है? मैं नहीं जाऊंगा, मेरी फटती है। चल चल मान भी ली गया, मैं उससे मिलने चला गया, लेकिन उसने मुझे बिना देखे रिजेक्ट कर दिया, फिर बिना समझे सोचे रिजेक्ट कर दिया। फिर इसका हल है मेरे पास, तू एक ऑनलाइन ऐप ट्राई कर जिसका नाम है ब्लाइंड डेट। तुझे उस पर कुछ नहीं करना, ऐप में रजिस्टर्ड करना, अच्छा नाम डालना है, फोटो डालनी है और पेमेंट करनी है। इसमें तेरे नाम के अलावा कोई भी डिटेल तो नहीं होगी। अब रेस्टोरेंट मिलने तू किसी लड़की से जाएगा, तेरे पास इतना तो टाइम तो होगा ना कि तू उनसे खुल के बात कर सके, ठीक है? और हाँ अभी ऑफर भी चल रहा है, बताता हूँ, रुको बताता हूँ। ला अपना मोबाइल दे। मोबाइल? अबे लोग तो खोल। हाँ ये ले। ये मैंने करी ऐप इंस्टॉल, लड़की का नाम है स्मिता चोपड़ा, लोकेशन भी यही है, कैफे काफी कॉफी लग रहा है, चलो अंदर चल के देखते हैं। हेलो, क्या आप स्मिता चोपड़ा हैं? तुम ब्लाइंडेड ऐप से आए हो? जी वासु। हाँ मैं स्मिता हूँ, तुम्हारी ब्लाइंडेड। You are too late, ma'am. You have only 20 minutes to talk with me. Got it? Oh, sorry for this delay. Don't be sorry. It has cost you, not me. वैसे आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। Yeah, I got that compliment a lot. तुम इंस्टा पे हो क्या? हाँ, पर ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मुझे फॉलो करो ना।
Hi, Manju. How are you, baby? Yeah, I am good. All good? Yeah. वैसे एक चीज तो बोलनी पड़ेगी मॉन्टू, यू आर सच अ बैड बॉय मैन. वैसे एक चीज बताओ, तुमने उस दिन रात को ड्रिंक में कुछ मिलाया था क्या? नहीं यार, तू तो मेरा स्वीट हार्ट है. अच्छा चलो, अभी एक डेट के साथ बिजी हूँ, रात को तू मेरे रूम से मेरे को उठा ली. बाय, सी यू. वो सॉरी, एक फ्रेंड का कॉल आ गया था. Yeah, one light, Melinda. You want anything? No, I don't want anything. Have yourself. क्या हुआ, तुम्हारी शक्ल क्यों उतर गई? बात बुरी लगी क्या? बात तो बुरी नहीं लगी, पर मुझे लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं. Everybody is my type, बच्चू. तुम लड़कों के लिए लड़कियां अलग-अलग हो सकती हैं, but लड़कियों के लिए तुम सारे लड़के एक जैसे होते हैं. Mean and greedy. हो सकता है ऐसा हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता. You are judging me. मेरी हैसियत नहीं किसी को जज करने की, और उम्मीद करता हूँ तुम भी मुझे जज नहीं कर रही. Maybe you are right. तुम पहले इंसान हो जो मेरी आंखों के अंदर आंखें डाल के ऐसी बात बोल रही. Maybe तुम मेरे पैर से ऊपर देखने की हैसियत रखते हो. That nice. एक बात जानना चाहोगे? हाँ हाँ बताओ. मुझे आप वाले पैसे पे करते हैं डेट पे जाने के लिए, स्पेशली उनके लिए जिनका कोई मैच नहीं मिलता. ये फेक है. नहीं नहीं, ये आप फेक नहीं है. इसमें एक्चुअल में काफी लड़कियां डेट पे जाती हैं, बट जिनका मैच नहीं मिलता तो ये आप वाले मुझे डेट अलॉट कर देते हैं. मैं सिर्फ ग्लैमर के लिए आपके साथ अपॉइंटेड हूँ. Don't be sad. अगर तुम्हें हिसाब के साथ कोई लड़की पसंद नहीं आती तो इंस्टा तो है ही, मुझे DM कर देना, मैं तुम्हें डेट पे ले चलूंगी. वैसे भी कभी कभार क्यूट लड़के पटा लेने चाहिए. राइट? ओके. मेरा टाइम पूरा हुआ डियर. आई होप यू एंजॉय माई कंपनी. बाय बाय. See you soon. Bye-bye. हाँ भाई, क्या कर रहा है तू? हाँ कुछ नहीं यार, वो शीला की दोस्ती थी ना दामनी, उसी से चैट कर रहा था. अच्छा बेटे. यार उसको मेरे लिए बहुत सैड फील हो रहा है. क्या बात है. हाँ यार, बहुत अच्छी लड़की है. अच्छा बाबा, समझ में तो मेरे भी बहुत कुछ आ रहा है. और लगा रहे तू बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई. लेकिन हाँ, एक बात पूछनी है तुझसे कि यार वो यैप वालों ने ना पेड़ लड़की भेज दी. मेरा कोई बैच नहीं मिला ना, इसलिए उन्होंने पेड़ लड़की भेज दी. यार तो अब बाकी डेट करनी है? नहीं. तूने पैसे दिए हैं ना, तू अपने पैसे वसूल कर और उनसे मिल के आ. ठीक है. अच्छा ये बता, तुझे उनसे मिलके कैसे लगा? अबे मिलके तो अच्छा लगा यार, पर वही है ना कि उसने इंस्टा पे मैसेज करने के लिए बोला है, मुझे DM भी करने के लिए बोला है, पर पेड लड़की भेज दी. मेरा दिमाग खराब हो गया यार. बहुत अच्छा बेटे, ऐसे ही कुछ सीखने को मिलता है. और हाँ सुन, जब तूने पेमेंट करी दी है तो उनसे वसूल भी कर. ठीक है, ठीक है. हाँ सुन, तू जा दोनों डेट पर. ओके मेरे भाई, बाय बाय. लड़की का नाम है हेमा, लोकेशन भी यही है, वक्त पर भी आया हूँ. देखने में तो यही लग रही है, पर एज कुछ ज्यादा नहीं लग रही. आप हेमा हैं? हाँ मैं हेमा. आप वासु? वासु आपका ब्लाइंड डेट.
प्लीज बी कंफर्टेबल। आई थिंक कुछ मिसमैच नहीं हो गया। मुझे भी यही लग रहा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समवेयर 40+। आप तो काफी यंग लग रहे हैं। मैंने भी यही उम्मीद की थी, मेरी उम्र के कुछ आसपास। अब क्या करना चाहते हो? क्या तुम जाना चाहते हो? मैं आप पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी रिक्वेस्ट करूँ तो होने में कितना टाइम लगेगा? इससे बेहतर है कि डेट ही कर लेते हैं। वैसे आप क्या चाहती हैं? हाँ, मेरी बेटी ने भी मुझे सजाने में बहुत मेहनत की है और जल्दी जाके मैं उसको मायूस नहीं करना चाहती। आपकी एक बेटी भी है? हाँ, मेरी एक 14 साल की बेटी है। इनफैक्ट उसी ने मुझे इस ब्लाइंड डेट जबरदस्त पे भेज, कह रही थी कि मम्मा अभी डेट पे जाओ, एंजॉय करो सब की तरह। तो आप सिंगल मदर हो? जी, मैं सिंगल मदर हूँ। 14 साल पहले मैं मेरे हस्बैंड से अलग हो गई थी। हमारी एक बेटी भी है जिसकी उन्हें परवाह नहीं है। तो आप भी मेरी तरह किसी के कहने पर ही आई हैं? तो तुम्हारी भी ये पहली डेट है? नहीं, पहली तो नहीं, लेकिन पिछली वाली डेटिंग टर्म के हिसाब से काउंट नहीं होती, तो उससे टेक्निकली फर्स्ट ही है। एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा या फिर इनकम्प्लीट रही होंगे? नहीं, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। अच्छा, तो जल्दबाज नहीं हो, गुड। वैसे करते क्या हो? अभी स्टडी पूरी की है, प्लेसमेंट का वेट कर रहा हूँ। ओके, कोई गर्लफ्रेंड भी रही होगी? नहीं, मुझे हेजिटेशन होती है तो इसीलिए मैं इस ब्लाइंड डेट पर आया हूँ। मेरे फ्रेंड्स तो कह रहे थे कि ये ऐप सिर्फ वन नाइट स्टैंड करने के लिए या एंजॉय करने के लिए होती है। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, मैं बस अपने शर्मीलेपन को एक आउटस्पोकन पर्सनालिटी में चेंज करना चाहता हूँ। तुम्हें देख के लगता भी है बहुत सीधे हो। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ तो प्लीज टेल मी। मैंने आज तक आपकी जितनी बात किसी से नहीं की। आई एम वेरी हैप्पी कि हम मिले और आपकी जो नॉलेज है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कमाल है। और सबसे अच्छी बात जो है आपकी, वो बात करने में आप बहुत आसान है। लेकिन तुम वैसे नहीं हो। ये दिस इज माय कार्ड, बज मी समटाइम। और थैंक यू इतनी खूबसूरत शाम देने के लिए। वैसे बहुत लेट हो गया है, पता नहीं मैं घर कैसे जाऊंगा, टैक्सी भी नहीं मिलेगी। हाँ, इस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन का इशू तो है। मैं मैनेज कर लूंगा, शायद मुझे सारी रात किसी बस स्टैंड पर गुजारनी पड़े। लिसन, मैं भी इतनी रात को ट्रैवल करती नहीं हूँ, क्यों ना हम आज रात के लिए इसी एरिया में रूम ले लें? वो तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। Don't worry about it. But you should be fine with it. नहीं, I'm fine. But आपकी बेटी आपके बिना परेशान होगी ना? अरे, मेरी मम्मा है ना? और I'm calling. Okay. ऐसे आज पहली बार किसी के साथ स्टे करूँ होटल में? Seriously? अच्छा, I'll just check hotel. यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी में एक होटल है।
मजा आया ना? The food was so good, especially that drink. Did you like your drink? तुम्हें अच्छी लगी तुम्हारी कोल्ड कॉफी? वैसे रूम उतना बुरा नहीं है. हाँ बुरा तो नहीं है. God, तो आप यहाँ सो जाइए, मैं नीचे सो जाता हूँ. अरे अभी तो बैठ जाओ ना, जब नींद आए तब सो जाना. कब? ओके तो ऑड नहीं लगेगा ऐसे बेड पे सोना? ऑड तब लगता अगर तुम मुझे अच्छे नहीं लगते. सो बताओ कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? आज का दिन आई होप अच्छा रहा. यू एंजॉयड? सो बताओ अपने डेटिंग लाइफ के बारे में क्या चल रहा है? टेल मी अबाउट योर क्रश. कॉलेज में थी पर वो मैं कभी उससे कहने की हिम्मत नहीं कर पाया. लेट्स डू वन थिंग, प्ले दिस गेम रैपिड फायर. मेरी पहली किस थी? सीरियसली? और तुम्हें पता है अरसा हो गया किसी मर्द से इतना करीब आ गया. तुम करीब आ गई तो तुम क्या चाहते हो? प्यार करना चाहते हो मुझसे? मुझे आज तक किसी से इतना प्यार नहीं मिला. इट वॉज ब्यूटिफुल. तुम्हें पता कितने दिनों बाद ने अच्छे पग नसीब हुए? क्या ऐसा नहीं हो सकता हम एक बार फिर मिले? वैसे रात में मैंने तुमसे कहा था कि डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम मी, मैं तुम्हारे लाइफ में सिर्फ पार्ट टाइम रह सकती हूँ, फुल टाइम नहीं. मैं तुम्हारे साथ अच्छा महसूस करता हूँ, पर मैंने आज तक किसी के साथ ऐसा महसूस नहीं किया. लेकिन वासु, देखो जो तुम्हें चाहिए वो मैं दे सकती हूँ, लेकिन कम्प्लीटली नहीं. यू नो आई हैव फैमिली टू टेक केयर, आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कांट बी विद यू ऑलवेज एंड फॉरएवर. यार मैं फिजिकली लव नहीं चाहता, मैं इमोशनल अटैचमेंट चाहता.
बट जब भी तुम्हें मिलने का मन करे यू कैन टेल मी, हम कभी भी मिल सकते हैं। ओके चलो बाय बाय। आखिरकार तुझे भी वो चीज मिल गई ना, इसके लिए हर मर्द तरसता है। सक्स मिलना यार कोई अचीवमेंट जैसा नहीं लग रहा है भाई, मैं इससे ज्यादा की उम्मीद कर रहा था। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अपनी उम्र देख और उसकी उम्र देख, तुम लोगों के बीच में सिर्फ टाइम पास हो सकता है। बे मेरे भाई, उसको कैसे भूल जाऊं? उसने उस रात मुझे इतना प्यार दिया ये जानते हुए कि वो मेरी फर्स्ट टाइम है। सुन, जैसा कि तू बता रहा है कि वो कोई कमिटमेंट नहीं चाहती ना कमिटमेंट, तो तू भी उससे मजे ले ना, जब मिलने के लिए बुलाए तब मिल। और हाँ ये बता मुझे, तेरी तीसरी डेट कब है? तीसरी डेट तो कल ही है, पर अब मेरा मन नहीं चाह रहा। सुन तू जा, जो तूने पैसे खर्च करे उन्हें वसूल भी तो करना है ना। और हाँ सबसे पहले तू अपना मूड सही कर, अपना दिमाग सही कर, ताकि उस औरत को अपने दिमाग से निकाल पाए। ठीक है भाई, तू भी ना हर बात अपनी मनवाई लेता है। चला जाऊंगा मैं कल। कौन है? वासु। ओ मिस्टर वासु, मेरे ब्लाइंड डेट। सारी बात खड़े होकर ही करनी है क्या? कैसे हैं आप? जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। I'm sorry. मेरे सामने खड़े होने के लिए? नहीं वो मैं लेट आया ना उसके लिए। छोड़िए जनाब, ये इंतजार तो कुछ पलों का था। लोग सच्चे साथी के लिए जिंदगी भर का इंतजार करते हैं। क्या एक सच्चे साथी का मिलना किस्मत की बात होती है? दर्द दिल की उन्हें खबर क्या हो। जानता कौन है पराई चोट की? लगता है आपने किसी करीबी को खोया है। हाँ, मेरा सबसे प्यारा दोस्त, मेरा क्लासमेट, 4 साल पहले उसने सुसाइड कर लिया। पर उसने सुसाइड क्यों की? उसको एक लड़की ने चीट किया था। 4 साल बहुत होते हैं किसी को याद रखने के लिए, यहाँ तो लोग पल भर में भूल जाते हैं। पता नहीं मैंने क्यों आपसे ये बात बता दी, मैं अक्सर ऐसी बातें किसी से करता नहीं हूँ। दिल का दर्द सबको सुनाया नहीं जाता, ये ऐसा मसला है जो हर किसी को बताया नहीं जाता। मुझे इस काबिल समझने के लिए शुक्रिया। वैसे एक बात कहूँ आपसे, मैंने आप जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। खुश नसीब हो आप, जो आप देख तो सकते हो। हमसे पूछिए ना देखने का दर्द कैसा होता है। मैं समझा नहीं, क्या आप देख नहीं सकती? मैं तुम्हें देख नहीं सकती वासु, पर तुम्हें समझ सकती हूँ क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ। अब तो आप समझ गए होंगे, तो चलिए आप भी अपनी सिंपैथी दिखा के निकल जाइए। I'm sorry. मुझे पता नहीं था कि आप ब्लाइंड हो। चलिए चलती हूँ, मेरे पास वक्त जरा कम है। नॉर्मली लोग चले जाते हैं मेरी हकीकत जानकर। पर मैं तो नहीं गया ना? शायद आपसे पहले मैं उठ गई। ब्लाइंड हो लेकिन दिल देख सकती हो। दिल देखने के लिए दिल की जरूरत होती है डियर, नजरों की नहीं। Excuse me. देर हो रही है मुझे, क्यों रोक रहे हो? देर तो मुझे हो गई तुम्हें पहचानने में। बस एक रिक्वेस्ट है, अपना नंबर शेयर कर सकती हो? दूर उन्हें जाना तो था, ये एहसास तो था, लेकिन बिछड़ना इस कदर होगा ये ख्याल ना था। ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, और जान लो कॉल तभी करना
जब आप मुझे एक्सेप्ट कर सको।